प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान सेट 2 एग्जाम जो आज आपका हुआ है उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों को ये लिंक भी शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र का हल। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और समय आपका 1 घंटे का था, 20 नंबर का पेपर था, सभी प्रश्न अनिवार्य थे। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वृषण उत्पन्न करते हैं तो यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, वृषण क्या उत्पन्न करते हैं? शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। मानव स्त्रीलिंग क्रोमोसोम है तो यहाँ पर जो मानव स्त्रीलिंग क्रोमोसोम जो होते हैं वो XX होते हैं। कौन से होते हैं? XX। तो मादा में तो XX होते हैं और नर में क्या होते हैं? XY। तो मादा का पूछा है तो XX आ जाएगा। चलते हुए वाहन की गति को कम करने वाला बल कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है स्थैतिक घर्षण अधिक होता है। तो ये स्थैतिक नहीं है, ये स्थैतिक है। स्थैतिक घर्षण अधिक होता है तो प्यारे बच्चों ये दोनों से अधिक होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्पीय घर्षण से भी ज्यादा होता है ये और रोटनिक घर्षण से भी ज्यादा होता है। अधिक पूछा है तो सबसे अधिक यही होता है। इसके बाद में आगे नेक्स्ट, पृष्ठ को खुरदरा करने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खुरदरापन जितना ज्यादा होगा घर्षण बल उतना ही अधिक होगा तो यहां पर क्या होगा? घर्षण में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे है सर्पीय घर्षण स्थैतिक घर्षण से, सर्पीय घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्या होता है? सर्पीय घर्षण जो होता है इस स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम। क्या घर्षण को शून्य किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता। संपर्क बल के दो उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों हम कौन से उदाहरण लिखेंगे यहां पर? पेशीय बल, पेशीय बल और एक बल जो होगा संपर्क बल का घर्षण बल, जो दो सतहों के या दो वस्तुओं के आपस में संपर्क में आने से लगता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां खालिस्तान ग्रंथियां भी कहलाती हैं तो इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां तो यहां पर क्या लिखेंगे? नलिका विहीन ग्रंथियां। इसके बाद में आगे है मादा लिंग हार्मोन का नाम लिखिए। तो यहां पर मादा लिंग हार्मोन क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। क्या होगा प्यारे बच्चों? एस्ट्रोजन। तो यहां लिखेंगे एस्ट्रोजन। इसके बाद में गौण लैंगिक लक्षण क्या है उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर मैं यहां लिख रहा हूं वे लक्षण जो लड़के व लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं। तो क्या लिखेंगे उदाहरण? इसके उदाहरण लिखेंगे लड़कों में दाढ़ी मूछों का आना, लड़कों में दाढ़ी मूछों का आना, मूछों का आना और कोमा लगा के लिख लेंगे लड़कियों में सतनों का विकास। तो ये क्या है? गौण लैंगिक लक्षण है जो लड़के और लड़की को पहचानने में मदद करते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है? गुरुत्व तथा गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो मैं यहां इनके नीचे आंसर लिखूंगा। पहले मैं लिखता हूं गुरुत्व। यहां लिखेंगे पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्व बल कहते हैं। तो गुरुत्व बल क्या है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को हम कौन सा बल कहते हैं?
गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है? आगे है गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो दोनों की परिभाषा हमने यहां पर लिख ली। तो ये आपसे पूछा गया था, गुरुत्व बल के बारे में पूछा गया था और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछा गया था। इसके बाद में आगे आपसे क्या पूछा है? आगे आपसे पूछा है अंतर, किसमें? रजो दर्शन था, रजो निवृत्ति में क्या अंतर है? तो इस 13वें का उत्तर लिखेंगे। पहले मैं यहां पर लिखता हूं रजो दर्शन। तो यहां पर लिखेंगे यौनारंभ में पहला ऋतु स्त्राव रजो दर्शन कहलाता है। ठीक है, इतना लिख रहा हूं मैं, आगे नहीं लिख रहा। रजो निवृत्ति नाम से ही पता चल रहा है निवृत्त होना। तो 40 से 45 वर्ष की आयु में स्त्रियों के ऋतु स्त्राव का रुक जाना, ऋतु स्त्राव का रुक जाना क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति कहलाता है। तो ये किस प्रश्न का उत्तर होगा? 13 का। इसके बाद में लास्ट प्रश्न जो है उसमें आपसे पूछा है घर्षण किसे कहते हैं? क्या है? घर्षण किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, दो प्रश्नों की अनियमितताओं के कारण, तो घर्षण क्या होगा? दो प्रश्नों की अनियमितताओं के अंतःपाशन के कारण लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं। और इसमें यह भी लिख सकते हो, ये हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है। तो ये इसकी परिभाषा होगी। बल के प्रकार लिख रहा हूं मैं सिर्फ यहां पर, कितने विभिन्न प्रकार के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, तो वर्णन नहीं करूंगा मैं आपको, सिर्फ स्थैतिक घर्षण बल। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें कौन सा बल है? स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा सर्पी घर्षण। इसके बाद में तीसरा लोटनिक घर्षण। अगर कोई वस्तु लुढ़क रही है तो उस पर कौन सा घर्षण बल होगा? लोटनिक घर्षण बल होगा। तो स्थैतिक सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सर्पी होता है, और सबसे कम कौन सा घर्षण बल होता है? लोटनिक घर्षण बल होता है। तो आज के प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आप अपने मिलान कर सकते हैं, अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद।